नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गाइडलाइंस। बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेंगी वोटर्स की कतारें, मतदाताओं को मिलेंगे मास्क दस्ताने, जाने मतदान पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस। कोरोना काल में जहां चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है, वहीं वोटर्स के लिए भी इस बार मतदान करना एक बड़ी चुनौती होगी। अगले कुछ महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के दौरान आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक लंबी लंबी कतारें नहीं लगेंगी। वहीं वोटर्स को वोट डालने के लिए मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र पर सुविधाओं के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जाने इनके बारे में विस्तार से। मतदान से एक दिन पहले वोटिंग सेंटरों पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। हर मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर होंगे। मतदान स्थान या मतदान केंद्र के एंट्री पॉइंट पर या तो मतदान कर्मचारी या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ता के वोटर्स की थर्मल स्कैनिंग करेंगे। यदि किसी वोटर का तापमान केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमानुसार ज़्यादा आया तो ऐसी स्थिति में उसकी दो बार जांच की जाएगी। अगर उस वोटर का तापमान कम नहीं आता है तो उसे एक टोकन या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे वह वोटर मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करने के लिए आ सकता है। ऐसे सभी वोटर्स को मतदान के आखिरी घंटे में मतदान करना होगा और उस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर हेल्प डेस्क से मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा, ताकि पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें न लगें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वोटिंग लाइन वाली जगह में जमीन पर वोटर्स के खड़े होने के लिए साइन बनाए जाएंगे। वोटर्स के बीच में 2 गज की दूरी बना रखने के लिए जमीन पर सर्कल बनाए जाएंगे। एक लाइन में 15 से 20 व्यक्तियों के खड़े होने के लिए सर्कल बनाए जाएंगे, जिसमें पुरुष, महिला और PWD वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए अलग अलग कतारें होंगी। BLO वॉलंटियर्स आदि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे। मतदान केंद्र के अंदर पुरुष और महिला को अलग अलग वोटिंग एरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कुर्सियां लगी होंगी। यह इसलिए किया जाएगा ताकि मतदाता सुरक्षा चिंताओं के बिना मतदान कर सके। जहां भी संभव हो बूथ ऐप का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश निकास स्थल पर साबुन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश या निकास पॉइंट पर वोटर्स को सैनिटाइजर दिया जाएगा। मतदान केंद्र पर फेस मास्क रखे जाएंगे, ताकि जो वोटर्स मास्क पहनकर नहीं आएंगे उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविड-19 की जागरूकता के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाएंगे। मतदान कर्मियों और मतदान एजेंटों के लिए मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अनुसार की जाएगी। अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट के शरीर का तापमान निर्धारित सीमा से अधिक है तो उनके रिलीवर को पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी, जिसका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए चेहरे से फेस मास्क को कम करना होगा या हटाना होगा। केवल एक मतदाता को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए मतदान अधिकारी के सामने खड़े होने की अनुमति दी जाएगी। वोटर्स को मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने और मतदान के लिए EVM के बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने दिए जाएंगे। बूथ के अंदर सैनिटाइजर रखा जाएगा और वोटर्स को उसके इस्तेमाल करने के निर्देश भी होंगे। कोरोना मरीजों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों पर वोटिंग के दिन अंतिम घंटे में मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। उस सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्रों में इसका समन्वय करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, डालिए हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।